तो भाई मनाली में रोहतांग की पहाड़ियों में 12,000 फीट के ऊपर हमें भैया मिले हैं जो बनाते हैं एक बहुत ही शानदार डिश, बहुत ही मजेदार डिश। और मजे की बात यह है कि बनाते हैं भाई एकदम आसमान की ऊंचाइयों में। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। क्या नाम है? सोनू सिंह। क्या बनाते हो? बन कुलचे। बन कुलचे, क्या बात है। क्या बना रहे हो आप? छोले कुलचे। छोले कुलचे, तो ये मतलब ये तो मुझे बन सा लग रहा है। ये पहाड़ों में भाई जी यही बन टाइप ही कुलचा मिलता है। अच्छा, यही इसी टाइप का कुलचा होता है। तो कितने सालों से बना रहे हो आप? यहीं खड़े होते हो? यहीं होता हूँ भाई जी, मेरे को हो गए 3-4 साल। 3-4 साल हो चुके हैं भाई। आप देख सकते हैं पहले इन्होंने छोले डाले हैं, फिर प्याज डाली है, और अब ये डाल रहे हैं टमाटर। तो भैया आपका नाम क्या है, नाम बताओ। मेरा नाम भाई जी सोनू सिंह। कहाँ रहते हो वैसे? वैसे मैं यूपी से हूँ। अच्छा, मनाली का। कितने सालों से? 16? नहीं नहीं, मैं इधर ही पैदा हूँ। अच्छा, पैदा यहीं हुए हो? क्या बात है, तो यहाँ मजा आता है? काफी सारी करते हैं। अच्छा, डैडी को काफी साल हो गए। तो भाई हमारे छोले बन रहे हैं, और भाई सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों के बीच में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए गर्मा गर्म तो कुछ मजा कुछ अलग ही हो जाता है। तो भाई ये आ गई अपनी हरी मिर्चें। क्या बात है, मतलब आज पूरा धुआं उठाने वाले हो, बहुत बढ़िया। डालेंगे भैया इसमें नमक डालेंगे। ये आ गया नमक, ये कुटी मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर। बढ़िया चटपटा सा बना देना, ठीक है? बढ़िया बने। ये क्या है? ये इमली की चटनी। इमली की चटनी, तो भाई प्रोसेस दिल्ली वाला ही है लगभग, जैसे दिल्ली में मिलते हैं। बस कुलचे नहीं है, बस कुलचे की जगह। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कुलचे के साथ बहुत खाए हैं, लेकिन बन के साथ जो टेस्ट आता है ना वो कुलचे के साथ नहीं आता। और पीछे भाई बर्फ ही बर्फ चारों तरफ, क्या बात है। तो मजा, आपको मजा भी आता होगा यहाँ काम करने में? जरूर, मौसम बढ़िया रहता है तो। मौसम एकदम बढ़िया रहता है, मजा आता है ना। तो दिन के ग्राहक ठीक ठाक आ जाते हैं? 100-200 आ जाते हैं। इतना 100 मतलब कभी ठीक है, मतलब 100 भी आ जाते हैं, कभी 80 ना, कभी चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है। अच्छा, बीच में से कट स्टफ करके देते हैं इसके अंदर, स्टफिंग करके। और ये आ गया बटर, न्यूट्रलाइट। हाँ, न्यूट्रलाइट भाई। गर्मा गर्म ठंड के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म बन में सिक्के छोले मिल जाए, मजा ही अलग आएगा इसको खाने में। भैया कितने का देते हो? ये 50 का है भाई जी। 50 का एक? हाँ जी। अच्छा, ये आगे छोले ये जाएंगे बन में। और भाई मैं जरूर श्योर हूँ कि आपके पीछे जो मेरे इनके भैया के पीछे जो पहाड़ है उन पे जरूर नजर जा रही होगी, बहुत ही अमेजिंग पहाड़ है। और ये आ गया हमारे बन छोले, 50 रुपए में भैया है। एक बार इसको टेस्ट करेंगे पहले। भैया एक सवाल है मेरे मन में, ये जो सारा सेटअप है ये आप लेके कैसे आते हो? ये भाई जी सारा गाड़ी से लेके आना पड़ता है। सारा गाड़ी से? मतलब खर्चा काफी होता होगा फिर तो? खर्चा काफी हो जाता। कितना लग जाता है सेट रोज लाने ले जाने में? 500 लगता है। 500 रुपए? तो भाई ये आ चुके हैं हमारे बन छोले, काफी बढ़िया लग रहे हैं, डिलीशियस लग रहे हैं। प्राइस कॉस्टिंग 50 है क्योंकि पहाड़ों पे है भाई, कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है सामान ले जाने में उठाने में। जबरदस्त।